है एस्केप फूडी चैनल और मैं हूँ प्राची। आज मैं आप सबके लिए पमफ्रेट तवा फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। पमफ्रेट तवा फ्राई एक बहुत ही इजी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसे मैं बहुत ही हेल्दी वे में आज बनाने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत कम तेल यूज़ किया है, जिसकी वजह से इसमें फैट की मात्रा बहुत कम है। फैट की मात्रा कम होने के साथ साथ इसमें बहुत ही कम कार्ब्स यूज़ हुए हैं और बहुत ही मात्रा में प्रोटीन है, जो कि वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। वेट लॉस में हेल्प करने के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12, जो कि आइज, बोन्स और हार्ट को स्ट्रांग रखते हैं। इसमें ओमेगा 3 होता है, जो कि हार्ट और स्किन को हेल्दी रखता है। ओमेगा 3 प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओमेगा 3 होने के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में आयोडीन है, जो कि थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सो ऑल इन ऑल ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और हर एज के लोगों के लिए बहुत अच्छी है। सो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। पॉमफ्रेट फिश फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 कप सूजी या सेमोलिना, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक टुकड़ों में कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च, 7 से 8 करी पत्ते, 1 चम्मच इमली या टैमरिंड का पेस्ट, 1/2 नींबू का रस, थोड़ा सा धनिया, पकाने के लिए तेल और 2 मीडियम साइज्ड पॉमफ्रेट। सबसे पहले हम पॉमफ्रेट फिश को धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और उसमें इस तरह से स्लिट्स बना देंगे, ताकि हम जब इसे मसाले से मैरिनेट करें तो मसाला इसके अंदर तक जा सके। पॉमफ्रेट पे स्लिट्स बनाने के बाद हम एक क्लीन मिक्सी का जार ले लेंगे और सारे वेट इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के एक मसाले का पेस्ट बना लेंगे। तो इस मिक्सी के जार में सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन और अदरक, हरी मिर्च, करी लीव्स, धनिया या कोरिएंडर लीव्स और 1 चम्मच इमली का पेस्ट। ये सब डालकर हम इसे पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। याद रखिए, पेस्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए, थोड़ा दरदरा रखें। मसाले को पीस कर हमने इस तरह का दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब हम मैरिनेशन का पेस्ट बनाएंगे। मैरिनेशन का पेस्ट बनाने के लिए हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें पिसा हुआ मसाले का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के हम इस पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट को हमने मिक्स कर लिया है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालकर हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमारे मसाले का पेस्ट अब रेडी हो गया है। अब हम इसे पॉमफ्रेट के ऊपर लगाएंगे। मैंने पॉमफ्रेट फिश को एक बॉल में ले लिया है। अब हम इस पे मसाले लगाएंगे। दूसरे साइड पे भी हम उसी तरह से मसाले लगाएंगे। यहाँ पे मैंने पॉमफ्रेट को पूरी तरह से मसाले से कोट कर दिया है। अब हम इसे ढक के 1/2 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो पॉमफ्रेट में पूरी तरह से आ जाए। ये पॉमफ्रेट अब अच्छे से मैरिनेट हो गया है, हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम इसे सूजी या रवा से कोट करेंगे। पॉमफ्रेट को सूजी से कोट करने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे और उसके ऊपर सूजी डाल लेंगे। सूजी डालने के बाद हम पॉमफ्रेट के पीसेस ले लेंगे और इसे सूजी में इस तरह से डिप करके निकाल लेंगे, ताकि सूजी इस पे स्टिक हो जाए। इस तरह से कोट करने के बाद हम दूसरे पॉमफ्रेट को भी इसी तरह से सूजी से कोट कर लेंगे। पॉमफ्रेट को फ्राई करने के लिए हम एक पैन ले लेंगे और गैस मीडियम में लगा देंगे। पैन को हम 2 से 3 मिनट तक गर्म करेंगे। ये पैन अब गर्म हो गया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। यहाँ हम बहुत कम तेल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पॉमफ्रेट को डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे जस्ट शैलो फ्राई करेंगे। तेल को हम पैन पे स्प्रेड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे।
अब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें पॉम्फ्रेट के पीसेस, जिसको कि हमने सूजी से कोट करके रखा है, उसको डालेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। पॉम्फ्रेट का एक साइड अब फ्राई हो गया है, अब हम इसे पलट देंगे और इसका दूसरा साइड भी फ्राई कर लेंगे। अब ये पॉम्फ्रेट फिशेस अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, ये लो ऑयल में भी कितनी अच्छी तरह से फ्राई होके एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अब ये पूरे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल के अनियन रिंग्स और कोरिएंडर लीव्स के साथ सर्व करेंगे। तो ये थी पॉम्फ्रेट तवा फ्राई बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, उसके साथ ही ये बहुत ही इजी है, क्योंकि इसे आप घर पे बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। अगर आप सुपर लो कार्ब डाइट लाइक कीटोजेनिक या फिर एटकिंस डाइट फॉलो करते हैं तो आप सूजी यूज़ ना करें। सूजी में कार्ब्स होते हैं, और अगर आप इस रेसिपी में सूजी यूज़ नहीं करेंगे तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही घट जाएगी। अगर आप तेल कम यूज़ करना चाहते हैं या फिर लो फैट चाहते हैं तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो के नीचे का लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें। मैं फिर से वापस आऊँगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।